डियर स्टूडेंट्स इकनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा एसोसिएट प्रोफेसर इकनॉमिक्स गवर्नमेंट मीरा गुल्स कॉलेज उदयपुर आज हम इकनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में यूनिट थ्री में से जो टॉपिक आज हमने लिया है वो है मानव पूंजी निर्माण दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इसी को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी हम कह सकते हैं तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम इसका अर्थ समझें इससे हम क्या समझते हैं क्या हमारा मीनिंग है मानव पूंजी में निवेश की धारणा हाल ही में विकसित हुई है आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में भौतिक पूंजी के संचय को महत्व देना व्यवहारिक है अब अधिकतर यह माना जाने लगा है कि व्यवहार में पूंजी स्टॉक की वृद्धि पर्याप्त सीमा तक मानव पूंजी निर्माण पर निर्भर करती है जो कि देश के सब लोगों का ज्ञान यानी मानव पूंजी निर्माण का अर्थ क्या है देश के सब लोगों का ज्ञान कुशलता एवं क्षमताएं बढ़ाने की प्रक्रिया है मानव पूंजी निर्माण देश के सब लोगों का ज्ञान कुशलता एवं क्षमताएं बढ़ाने की प्रक्रिया है अल्प विकसित देशों में धीमी वृद्धि के लिए उत्तरदायी मानव पूंजी में निवेश की कमी है मानव पूंजी में निवेश पूरा नहीं है इसलिए अल्प विकसित देशों की वृद्धि जो है वृद्धि दर धीमी है यदि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं, शिक्षा ज्ञान और तकनीकी ज्ञान का प्रसार नहीं करती और लोगों की कुशलता तथा शारीरिक दक्षता का स्तर नहीं बढ़ाती तो भौतिक पूंजी की उत्पादकता घट जाती है हरबिंसन के हरबी के अनुसार मानव पूंजी निर्माण का कार्य ऐसे व्यक्ति उपलब्ध करना और उनकी संख्या में वृद्धि करना है जो कुशल शिक्षित तथा अनुभव संपन्न हों जो देश के आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के लिए नितांत आवश्यक है मानव पूंजी निर्माण इस प्रकार मानव में निवेश और उसके निर्माणकारी तथा उत्पादक साधन के रूप में विकास से संबद्ध है संक्षेप में व्यापक अर्थ में मानव पूंजी में निवेश का अर्थ है स्वास्थ्य शिक्षा तथा सामान्य रूप से सामाजिक सेवाओं में व्यय करना और अपने संकुचित अर्थ में शिक्षण तथा प्रशिक्षण पर व्यय करना है तो मानव पूंजी निर्माण करने के लिए हमें स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा शिक्षा पर ध्यान देना होगा सामाजिक सेवाओं पर व्यय करना होगा और उनको शिक्षित और प्रशिक्षित करना होगा तो ये है मानव पूंजी निर्माण का अर्थ अब इसी में हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर मानव पूंजी निर्माण की आवश्यकता एवं उद्देश्य क्या है अल्प विकसित देशों में आर्थिक पिछड़ापन एक विशेषता है जिसका कारण मानव शक्ति से संबंधित समस्याएं जैसे नीची श्रम कुशलता साधनों की अगतिशीलता व्यापार तथा व्यवसाय में सीमित विशिष्टीकरण उद्यम वृत्ति की कमी और परंपरागत सामाजिक मूल्य एवं संस्थाएं प्रगति में बाधा पैदा करती हैं मानव पूंजी निर्माण में निवेश करना क्यों आवश्यक है इसके कारणों का वर्णन यहाँ किया जाता है जिसमें पहला है श्रम की कार्य कुशलता यानी ऑफ लेबर अल्प विकसित देशों के सामने मानव शक्ति से संबंधित दो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं प्रथम उद्योग क्षेत्र के लिए श्रम की कार्यकुशलता का अभाव और दूसरा आवश्यकता से अधिक श्रम शक्ति का होना परंपरागत तक, तक तरीके अपनाने के कारण ही श्रम की कार्यकुशलता कम पाई जाती है मानव पूंजी निर्माण का उद्देश्य उत्पादन साधन के रूप में श्रम में आवश्यक दक्षता का निर्माण करना और उसे लाभपूर्ण रोजगार प्रदान करके इन समस्याओं का हल करना है दूसरा बिंदु है कि ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन की आवश्यकता क्यों है और उद्देश्य क्या है दूसरा बिंदु है प्रशिक्षण एवं तकनीकी ज्ञान आर्थिक विकास के लिए श्रमिक का शिक्षित तथा प्रशिक्षित होना जरूरी है इसके लिए अर्थशास्त्री मानव पूंजी निर्माण पर अधिक बल देते हैं मानव पूंजी निर्माण देश के सब लोगों का ज्ञान कुशलता एवं क्षमताएं बढ़ाने की प्रक्रिया है इसलिए अर्थशास्त्रियों का मत है कि विकसित देश में मानव पूंजी में निवेश की कमी होने के कारण शिक्षा तकनीकी ज्ञान कुशलता तथा शारीरिक दक्षता का स्तर बहुत निम्न होता है जिस कारण भौतिक पूंजी की उत्पादकता बहुत कम हो जाती है वास्तव में देश के पास पर्याप्त मानव पूंजी के रूप में इंजीनियर तकनीकी निरीक्षक प्रबंधकीय और प्रशासकीय सेवी वर्ग वैज्ञानिक नर्सें पशु चिकित्सक कृषि विशेषज्ञ होने पर भौतिक पूंजी अधिक उत्पादन बन जाती है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है औद्योगिकरण का आधार यानी बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण का आधार यानी बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अल्प विकसित देशों में औद्योगिकरण का आधार रखने के लिए मानव पूंजी में निवेश की आवश्यकता है इसलिए नई तथा विस्तारशील सरकारी योजनाओं में कर्मचारी नियुक्त करने के लिए भूमि प्रयोग की नई व्यवस्था तथा कृषि के नए तरीके प्रचलित करने के लिए और शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने के लिए मानव पूंजी आवश्यक है जैसा प्रोफेसर गालब्रतकल लक्ष्य है अब हमें हमारी औद्योगिक वृद्धि का अधिक बड़ा भाग अधिक पूंजी के निवेश से नहीं बल्कि मनुष्यों में निवेश और परिष्कृत मनुष्यों यानि इम्प्रूवड मैन द्वारा लाए गए सुधारों से प्राप्त होता है नेक्स्ट है श्रम शक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन यानी चेंज इन द आउटलुक ऑफ द लेबर फोर्स आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम शक्ति का सामाजिक व्यवहार भी महत्वपूर्ण होता है श्रम की उत्पादकता एवं गतिशीलता बढ़ाने के लिए लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना आवश्यक है जिससे श्रम गौरव का महत्व उत्पन्न हो क्योंकि लोग शिक्षित होने के कारण हाथ से काम करना पसंद नहीं करते हैं नेक्स्ट है शिक्षा में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन आर्थिक पिछड़ापन दूर करने और प्रगति के लिए तथा क्षमताएं और प्रोत्साहन उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों के ज्ञान और कुशलताओं में वृद्धि की जाए वास्तव में मानव साधन के गुण में सुधार किए बिना अल्प विकसित देश में कोई प्रगति संभव नहीं है इसके साथ धार्मिक सांस्कृतिक संस्थागत एवं सामाजिक परिवर्तन होने अनिवार्य हैं जो वास्तव में शिक्षा के प्रसार पर निर्भर करते हैं शिक्षा को आवंटित किए गए साधन उत्पादकीय क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं अतः भविष्य में उत्पादन और, और उपभोग को बढ़ाते हैं इसलिए शिक्षा या अन्य प्रकार के सामाजिक आधिकारिक संरचना निवेश सिद्धांत के आवश्यक अंग हैं तो ये सारे हमारे ये बताते हैं कि क्यों हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना चाहिए उसकी क्या आवश्यकता है और क्या उद्देश्य हैं अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यहाँ हम बताते हैं कि मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं अथवा सीमाएं क्या है प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए हमें कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कहाँ हमें दिक्कतें आती हैं शिक्षा में निवेश के प्रसंग में मानव पूंजी निर्माण की विचारणा अनेक समस्याएं प्रस्तुत करती हैं मानव पूंजी का कुल स्टॉक कितना हो विकास की किस अवस्था पर इसकी सबसे अधिक ज़रूरत पड़ती है इसके संचय की दर क्या हो कैसी कितनी और कब कितनी शिक्षा प्रदान की जाए और शिक्षागत निवेश के प्रतिफल कैसे मापे जाए ये सारी समस्याएं हमें मानव पूंजी निर्माण के लिए महसूस होती हैं अब हम इन्हें वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं पहला है कुल स्टॉक यानी टोटल स्टॉक विकसित देश में आवश्यक मानव पूंजी के कुल स्टॉक यानी टोटल स्टॉक का अनुमान लगाना कठिन है अल्प विकसित देशों के विषय में विभिन्न व्यवसायों में शिक्षित व्यक्तियों के रूप में मानव पूंजी की आवश्यकता इसलिए अधिक होती है क्योंकि उनके विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्ति प्रदान किए जा सकें परंतु क्योंकि वे जटिल तरीके तथा उपकरण लगाते हैं इसलिए उनके सामान्य स्नातकों यानी सिंपल डिग्री वालों की अपेक्षा तकनीकी कुशलता वाले व्यक्ति उन्हें अधिक आवश्यक होते हैं नेक्स्ट है वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट मानव पूंजी निर्माण की वृद्धि दर को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है परंतु सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि मानव पूंजी के संचय की दर न केवल श्रम शक्ति की वृद्धि दर से बल्कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से भी अधिक होनी चाहिए हरबिंसन के अनुसार अधिकांश देशों में वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग वर्ग में वृद्धि की दर श्रम शक्ति की वृद्धि दर की कम से कम तीन गुनी होनी चाहिए विकास की अवधि विकास की विविध अवस्थाओं में अल्प विकसित देशों के लिए आवश्यक पूंजी निर्माण की विभिन्न वृद्धि दरों को सिद्ध करने के लिए कोई अनुभवजन्य प्रमाण हमें नहीं मिलता इसलिए ये मालूम करना बहुत मुश्किल है कि श्रम शक्ति की वृद्धि दर कितनी होनी चाहिए नेक्स्ट है निवेश ढांचा यानी इन्वेस्टमेंट पैटर्न जहाँ तक शिक्षा में निवेश के ढांचे का संबंध है एशिया अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देश प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्राथमिकता देते हैं जो प्रायः निशुल्क और अनिवार्य होती है परंतु इससे पर्याप्त अव अपव्यय तथा वृद्धि रोध होता है माध्यमिक शिक्षा को कम प्राथमिकता दी जाती है पर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त लोग ही वह तकनीकी कुशलता प्रदान करते हैं जो विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है नेक्स्ट है उच्च लागत हाई कॉस्ट अल विकसित देश उच्चतर शिक्षा का प्रसार करने के अपने उत्साह में शिक्षा स्तर का सुधार करने के का प्रयत्न किए हुए बिना बहुत अधिक विश्वविद्यालय खोलते रहे हैं उच्चतर शिक्षा पर कोई नियंत्रण नहीं है इससे मानव संसाधनों का अपव्यय होता है फिर क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में मानव शक्ति आयोजन यानी मैन पावर प्लानिंग बहुत कम होती है इसलिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी कुशलताओं की मांग तथा पूर्ति को समकक्ष बनाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए जाते परिणामतः बहुत कम देश अपनी सामान्य आर्थिक वृद्धि की अपेक्षा अधिक तेज दर पर प्रशिक्षित विश्वविद्यालय के स्नातकों को खपाते रह सकते हैं शिक्षा प्रसार के वर्तमान ढांचे के साथ बहुत से अल्प विकसित देशों को असंतोष तथा निराशा की अत्यंत स्फोटात्मक समस्याओं से एक स्नातक बेकारी की समस्या से संघर्ष करना पड़ता है, पड़ सकता है शिक्षा की ऊंची लागत को ध्यान में रखते हुए, शिक्षित बेकार मानवीय तथा भौतिक साधनों का भारी अपव्यय होता है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त इसके लिए उत्तरदायी अन्य कारण भी हैं, जिसमें पहला है रोजगार विभाग का अभाव कम मजदूरी तथा वेतन ढांचा ग्राम क्षेत्रों से नौकरी करने की अनिच्छा या ऐसी नौकरी स्वीकार करने की अनिच्छा जो व्यावसायिक परंपरा तथा स्तर से नीची समझी जाती हो और नेक्स्ट है शिक्षा पूरी किए बिना विद्यालय छोड़ जाने वाले तो ये सब मिलकर के शिक्षा के लिए बहुत ही उच्च लागत पे करते हैं और लास्ट है कृषि शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा एग्रीकल्चरल एंड एडल्ट एजुकेशन ऐसे देशों में कृषि शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा तथा तो अंतर कार्य प्रशिक्षण यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्रामिक प्रोग्रामों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है कार्यरत प्रशिक्षण प्रोग्राम तो है ही नहीं प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ नहीं किया जा रहा प्रौढ़ शिक्षा कृषकों का दृष्टिकोण बदलने में सहायक है उनकी निर्माण निर्णयकारी कुशलता बढ़ाती है और आधुनिक कृषि प्रथाओं के संबंध में उन्हें आवश्यक जानकारी कराती है अधिक अच्छे परिणामों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का समस्त प्रोग्राम कृषि अनुसंधान केंद्रों तथा प्रयोगशालाओं से जोड़ देना चाहिए कृषि प्रधान अल्प विकसित देशों में शिक्षा दोहरा काम करती है पहला अकृषि नौकरियों के लिए बच्चों को शहर जाने के लिए तैयार करती है और दूसरा नई तथा सुधरी हुई कृषि तकनीकों में दक्षता तथा ज्ञान भरती है बच्चों को साधारण शिक्षा भी देनी चाहिए ग्राम शिक्षा योजना देश की समस्त शिक्षा योजना का अंग होनी चाहिए तो ये आज जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो है पहली चीज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी मानव पूंजी निर्माण का अर्थ दूसरा मानव पूंजी निर्माण की आवश्यकता एवं उद्देश्य और तीसरा मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं तथा सीमाएं और इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम शिक्षा का मानव पूंजी निर्माण में कार्यभार या क्या रोल है इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया है इसको रिवाइज़ कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा का मानव पूंजी निर्माण में कार्यभार यानी रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इसके लिए ये बेसिक नॉलेज आपको काम आएगी सो थैंक यू थैंक यू सो मच